हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनमोहन सिंगला, फाउंडर जुगाड़ी.com, और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। यस, डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट ना चाहते हुए भी सब लोग इससे रिलेटेड है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, या आप मार्केटिंग लाइन में हैं, या आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं ये सब, तो भी डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और डिजिटल फुटप्रिंट में आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, आज से नहीं, जब से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। यस, जब से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में आपको नहीं पता, बट योर फुटप्रिंट्स आर देयर। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट। सी, अगर एग्जांपल से ही समझते हैं इसे। अगर आज आप फेसबुक तो यूज कर ही रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, कोई एक ना एक एप्लीकेशन, एक ना एक सोशल मीडिया चैनल यू आर यूजिंग इट। एंड इफ यू आर यूजिंग इट, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप अपने बिजनेस का नाम क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना खुद का कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और इफ यू आर क्रिएटिंग, व्हाट यू आर क्रिएटिंग, डेटा। इट कैन बी इन टेक्स्ट फॉर्म, इट कैन बी इन इमेज फॉर्म, इट कैन बी इन ऑडियो फॉर्म, इट कैन बी इन वीडियो फॉर्म। कुछ ना कुछ आपने पोस्ट किया होगा। 3 years पहले ही मैंने ही अपना एक वीडियो पोस्ट किया। क्या वो वीडियो आज मुझे दिख रहा है? वी आई कैन सी इट। क्या वो मेरा वीडियो पब्लिक है? यस, इट इज पब्लिक, अगर मैंने उसको प्राइवेट नहीं किया हुआ। क्या मेरा ही फ्रेंड उसे देख सकता है? क्या कोई भी उसे देख सकता है? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, यही डिजिटल फुटप्रिंट को डिफाइन करेंगे। यस, आपने जो क्रिएट कर दिया, दैट इज परमानेंट। जो चीज ऑनलाइन है, दैट इज परमानेंट। और जो अगर आपसे क्रिएट हुई है, जो आपने क्रिएट किया है, इट इज अ डिजिटल फुटप्रिंट। तो होप आपको डिजिटल फुटप्रिंट पता लगा होगा। डिजिटल फुटप्रिंट इज समथिंग यू हैव क्रिएटेड ऑनलाइन by using some application, by using social media platforms. If you are making your website, that also is your digital footprint. If you have added any photo, video of yourself also, that is a digital footprint. तो digital footprint जो है वो related है सभी से जो online है, और online सब जा रहे हैं। People are going online. Why people are going online? Users are online. Business is online. मार्केटिंग हमने ऑनलाइन करनी है, यूजर्स ऑनलाइन है। सो इफ पीपल आर ऑनलाइन, वी आर यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सो वी आर क्रिएटिंग डेटा। सो दैट डेटा इंस्टेंटली, प्रेजेंटली, प्रेजेंट फॉर एवर, दैट इज अ डिजिटल फुटप्रिंट फॉर यू। सो डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में अब आपको पता लगा होगा। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, गुड डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, बैड डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं। व्हाई वी आर सेइंग दिस कि बैड डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, गुड, व्हाई यू शुड नो अबाउट दैट? बिकॉज good digital footprint will help you a lot. Bad digital footprint can take you in the down. Means अगर आपने bad footprints हैं आपके online, तो वो आपको कहीं ना कहीं problem create कर सकते हैं। आज जो हम post create कर रहे हैं, तो आज या कल या even in 1 year we are not having any problem. But क्या पता उस post से 5 साल बाद आपको उस problem हो गई है। तो this is a digital footprint जो आपने एक बार mark छोड़ दिया। Just like we walk us on sand. Our footprints are there. Similarly, we are working on internet. We are creating data continuously, and this is a permanent. So we have to know about digital footprint, good digital footprint, bad digital footprints, so that we can live and we can go smartly, smoothly, and privately. So maybe आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Stay tuned, and जितने भी digital footprint के बारे में हम topics हैं, like bad, good, हम मैंने अभी बताया है, even digital resume and all, you can see all the links in the description, so that you can clear this topic thoroughly and in detail. So stay tuned and do subscribe my channel if you love me and if you like my videos. Thank you.